जो उस प्रोडक्ट की तरफ से बोले, उसकी तर्जुमानी करे। लिहाजा बिजनेस के लिए दो ही चीजें हैं, प्रोडक्ट ऐसी बना ले इशू ना हो, नाम ही काफी है। और अगर प्रोडक्ट ऐसी प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे तो फिर ऐसे बंदे रखे जो उस प्रोडक्ट की जुबान बन जाए। यही बिजनेस का दो ही प्रिंसिपल है। अच्छा सर, उसमें है कि बेसिकली जो है ना, लो प्राइस ऑलवेज और गिव अप नहीं होता। एक्टिविटी जो है बेसिकली सेल्समैनशिप है, जो उसमें ये है कि आपने गिव अप नहीं करना। एक बंदा आपके पास आ गया है, उसे नहीं खरीदना आपको पता है, लेकिन आप फिर भी उसको कन्विंस करें, वो वापस चला जाएगा खाली हाथ, लेकिन लोगों को जरूर आपके पास भेजेगा, लोगों को आपको बताएगा कि आपने ये चीज लेनी है तो फलां दुकान है जिसके पास आइए, क्योंकि आपने एक अपना सेल्स मैन इंक्रीज कर लिया। 5 मिनट 10 मिनट लगा के आपने एक अपना फ्री सेल्समैन बना लिया, जो शख्स पूरे मुल्क में या पूरे शहर में आपके बारे में बताता जा रहा है। आपने मुफ्त का बंदा ले लिया सर, तो वो उस बंदे को जरूर ले, मिस ना करें। और अगर फर्ज करें कि आपने देख लिया कि इस बंदे ने नहीं खरीदना और आपने मुंह बनाया, वो बंदा वापस चला गया है, तो आपने एक बहुत अच्छा फ्री सेल्समैन जाया कर। हर आने वाला आदमी जो आपके पास आ गया, आप समझे कि मेरा क्लाइंट है या नहीं है, लेकिन इसकी वजह से मेरे बड़े क्लाइंट होंगे। लिहाजा उसको फुल अटेंशन दे। जो सिर्फ घूमने फिरने वाले होते हैं ना, आपको पता है कि ये जो विंडो शॉपिंग करने वाले लोग होते हैं, सबसे ज्यादा पैसे वही जाया करते हैं, क्योंकि एक बंदा ने खरीदना है या सोचा है उसने कि फ्यूचर में मैं खरीदूंगा, तो विंडो शॉपिंग वही कर रहा है। जिसके पास है वो विंडो शॉपिंग नहीं कर रहा, वो नहीं देख रहा खिड़की है ना, तो वही आपका क्लाइंट है। तो आपने उसी को मुतासर करने के लिए आपने विंडोज बनाई हुई है, तो वो जो विंडोज है वो बेसिकली उसके लिए है, उस आदमी को मजबूर करने के लिए कि आ जा अंदर। तो वो एक कांटा है छुरी उसका मछली पकड़ने का, कि जो उसको अंदर ले आता है, ले आता तो वो पता काफी ले जाता था। अच्छा जी, कुछ लोग कनेक्टर्स होते हैं हमारी लाइफ में, हमारा एक पूरा करेक्टर होता है जो कनेक्टर होता है। तो मसल फर्ज करें कि एक आदमी जो है वो किसी जगह पे खाना खाया है, उसने उसको रेस्टोरेंट अच्छा लगा है, तो पूरे शहर में बताता फिरता है कि यार ये बड़ा जबरदस्त रेस्टोरेंट, बहुत अच्छा, ये मिस्त्री बड़ा अच्छा, ये दुकान बहुत अच्छी है, ये स्कूल बड़ा जबरदस्त है। अगर आपने घर बनाना है तो यासीन साहब से बनवाए, क्योंकि वो कनेक्टर है। तो एक नेचर होती है कनेक्टर्स की लोगों की। इसमें सबसे बड़ी बड़ी मिसाल जो हश पपी जो है, इसको कनेक्टर्स ने डेवलप कर दिया था। ये हश पपी एक बहुत बड़ा ब्रांड था, डेवलप हुआ, खत्म हो गया, खत्म हो गया। तो अब इनके जूते जो थे, ये बड़े वॉलमार्ट में इनके जूते बिकते थे, उन्होंने एक ड्रम से बना के उन जूतों में जूते फेंक दिए, उन ड्रमों में लोग जाते जाते $10-10 का जूता ले लेते थे ऐसे ही बगैर किसी वजह के। तो ये खत्म हो गया। अचानक ऐसा हुआ कि इनकी इन्होंने इनकी फैक्ट्री भी बंद हो गई थी, इन्होंने अपनी टीम सारी फारिग हो गई। अचानक ऐसा हुआ कि स्कूल शूज की इनको डिमांड आनी शुरू हो गई पूरे अमरीका के अंदर से। तो ये बड़े हैरान हो गए, और हर स्टोर की तरफ वॉलमार्ट की तरफ से उनको आती थी, हर वॉलमार्ट की तरफ से आता था कि हमें ये स्कूल शूज चाहिए। इतनी ज़्यादा डिमांड आई कि हश पपी की जो हश पपी फैमिली थी, जो लोग थे, बड़े परेशान हो गए कि ये हो क्या रहा है, कि क्यों हमसे मंगवाया जा रहा है। तो जब इन्होंने रिसर्च करवाई बाद में, तो पता चला कि एक बच्चा था स्कूल का, जिसने गुजरते गुजरते अपनी माँ के साथ स्कूल शूज़ खरीद लिया इनका, जो सस्ता था। वो खरीद के जब उसे पहना तो गया, तो बहुत ही कम्फर्टेबल था, इतना कम्फर्टेबल था कि उसने अपनी पूरी क्लास को बताया कि $10 का है और बहुत ही कम्फर्टेबल है। तो वो बच्चे जाकर उन्होंने अपने पेरेंट्स से कहा कि हमने वो शूज़ लेना, तो वो बच्चे गए वहाँ पे और उन्होंने खरीद लिए। और वो खरीदना शुरू की तो पूरे स्कूल ने खरीद लिए। उसके बाद छुट्टियाँ होगी, छुट्टियाँ हुई तो अमरीका के अंदर ये होता है कि स्कूल्स के बच्चे जो होते हैं उनको दूसरी स्टेट्स में भेजा जाता है। वो बच्चे जिस जिस स्टेट्स में गए, जिन जिन बच्चों से मिले, सबको उन्होंने कहा कि वाजी आपको मार्च शूज है, वे शूज़ पहनो। और इस शूज़ का फायदा ये है कि आप इसके साथ खेल भी सकते हो और आप इसको स्कूल में भी इस्तेमाल कर सकते हो, आप इसके साथ फुटबॉल भी खेल सकते हो, इतना ईजी शूज़ है, आप उसको बाद में भी पहनते जाओ, कोई स्कूल शूज़ उतारने की ज़रूरत नहीं है। तो एक शूज़ है जिसके अंदर सब कुछ ही है। पूरे अमरीका में मैसेज फैल गया, मैसेज फैल गया, तो उसके बाद पूरे अमरीका से उनको ऑर्डर्स आने शुरू हो गए, तो हश पपी दोबारा डेवलप हो गया। कुछ लोग कनेक्टर्स होते हैं, ये जो कनेक्टर्स होते हैं ये आपके बिजनेस के लिए बहुत अच्छे होते हैं। जो भी ऐसा आदमी आए जो आपसे बगैर किसी वजह के इंटरेस्ट ले रहा है और बहस कर रहा है कि भी स्कूल बनाया है जी मुझे साहब, और आप उसको ये समझ के कि हफ्ती आदमी है, आप उसको नाराज कर बैठते हैं, वो जो नाराज आदमी है पूरे शहर में आपको लेके बैठ जाते हैं, वो कनेक्टर है। आप सर्च करें आपके अंदर जो कनेक्टर्स कितने हैं, जो रोज 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 आ रहे हैं, किसी कनेक्टर को मिस ना करें, जाया ना करें, वो जो है ना वो आपकी जिंदगी आपके कारोबार को तब्दील कर सकते हैं। तो कनेक्टर्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है सेल्समैनशिप में, जो ऐसा कुछ ग्राहक होता है जो आपकी फ्री एडवर्टाइजिंग करता है, ये पीछे मदरसा बैठे हुए ये कनेक्टर है, बहुत अच्छा है ना।
बिहार बहुत ऐसे कलेक्टर है इनके अंदर ये एबिलिटी है, ये अपने हर दोस्त की बहुत तारीफ करते हैं हर जगह बैठ कर क्योंकि इनके अंदर एबिलिटी है। तो ऐसा आदमी जो है कभी लूज करने के लिए नहीं होता, ये आपकी बहुत बड़ी फ्री एडवर्टाइजिंग है। तो इस टाइप के जो कनेक्टर्स होते हैं ना, वो लाइफ में आप देखें जहाँ जहाँ है अपने बिजनेस के लिए उनको इस्तेमाल करें, वो आपके बिजनेस को कहीं से कहीं ले जाएंगे। आपके एक कनेक्टर अगर हश पापी को तब्दील कर सकता है, तो 8-10 कनेक्टर्स आपकी जिंदगी में आ गए दोस्तों, बस अवेलेबल होंगे। इसी तरह ये कनेक्टर नाराज हो जाए ना, तो आपकी फ्री बदखोई कर सकता है। यहाँ पे भी ये बैठेगा कहेगा ये बकवास है छोटू जी। अब लोग इन पर ट्रस्ट बहुत ज्यादा करते होते हैं, पूरे आपके कारोबार को लेके बैठते हैं। इसी में एनर्जी है जी, अगर कोई सेल्समैन के लिए सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि उसके अंदर एनर्जी होनी चाहिए। सर अगर आप रात को 12 बजे भी फोन करें सेल्समैन को, तो उसकी आवाज थकी हुई नहीं आनी चाहिए। जब भी फोन उठाए तो ऐसी हालो कहे कि हेलो, और आपको यार ये जाग रहा है एनर्जी किसी वक्त भी, बाथरूम के अंदर से भी आवाज लगाए और कहे हाँ जी। तो ये सेल्समैनशिप की बहुत बड़ी जो वजह है वो एनर्जी है। हर वक्त उसके अंदर एनर्जी होनी चाहिए, ऐसी एनर्जी होनी चाहिए जी बिलाल साहब कि आप किसी भी में, आप दुनिया में सैलाब आ गया, जलजला आ गया, पूरी दुनिया तबाह हो गई, ऊपर हेलीकॉप्टर से बुला रहे हैं मोहम्मद बशीर, मोहम्मद शीफ बशीर पानी के अंदर डूबा हुआ, नीचे से छलांग लगा के पार निकल कहता हाँ जी की हाल है, बहुत अच्छा जी। उसके बाद फिर डूब, ठीक है। तो सेल्समैनशिप के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके अंदर एनर्जी होनी चाहिए। आपको थका थका रहे थे मुझे डाउन डाउन भी नजर आते हैं, जबरदस्त किस्म का अलर्ट सेल्समैनशिप के लिए ना, अच्छी सेल्समैनशिप के लिए अलर्ट होना ये भी बहुत जरूरी है। आफ्टर सेल सर्विस जो होना पैसा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हर वो काम चलता है जो आफ्टर सेल सर्विस देखिए बड़ी स्ट्रांग होती है, और जो हर वो दुकान बंद हो जाती है जिसमें आफ्टर सेल सर्विस नहीं है, तो आपने ले लिया उन्होंने कहा तुम ले गए कल तक तो साढ़ा खत्म। आफ्टर सेल सर्विस जो इतनी बहुत इंपॉर्टेंट है हर बिजनेस में, इसलिए हर बड़ा ब्रांड जो ना आफ्टर सेल सर्विस देता है, कोई भी साल तक जी आप पूरा आके कंप्रेसर चेंज करवा लें, 2 साल तक है ना कंप्रेसर की गारंटी है, साल तक पुर्जों की गारंटी है, फ्री होम डिलीवरी है, फ्री होम सर्विस है, सब क्या है। उसकी वजह एक हमारी नफ्सियात होती है कि हम कोई चीज़ खरीदते हैं तो हम ये कहते हैं कि यार अगर ये कल को खराब हो जाए तो कंपनी को इसको फोन करना चाहिए कि जी मैं जिम्मेदार हूँ। इस पर ना 2 मिसालें आपको देता हूँ कि हकीम सही साहब जो थे ये आफ्टर सेल सर्विस में बहुत ज़बरदस्त बिलीव करते थे। मुझे हकीम साहब के साथ मेरी भी दोस्ती थी, वो खुद ये बताते थे कि यार मैं ये करता हूँ। करते क्या थे कि अगर फ़र्ज़ करें कि वो शादी पे आए हो यहाँ पे इस जगह पे, मुझे किसी तकरीब में या मेरे घर में आना उन्होंने मुझसे मिलने के लिए, उन्होंने आना है 2 बजे। अब वो वहाँ से अपने दफ्तर से निकलने से पहले वो कहेंगे कि उनके पास रिकॉर्ड होता तो वो कहते थे यार मरीज हैं मदीना टाउन के अंदर कितने मरीज़ आज तक हमारे पास आए, उसमें से पता चला कि 4 मरीज उनके पास है ऐसे जो इस लोकेलिटी में रहते हैं। वो हकीम साहब 2 बजे आने के बजाय 1:30 बजे इस जगह पहुंच जाते थे, और पहुंच गए तो उससे ऐसा किया कि मदीना टाउन के एक दरवाजे पर दस्तक दी, देखे कहने लगे जहीर साहब हैं। तो जहीर साहब अंदर से स्लीपर पहनते हुए हफ्ते हुए बाहर आ गए कि हकीम सही तो उनके दरवाजे पर आए। तो उनसे कहते थे जहीर साहब आपने 3 साल पहले मेरे पास आए थे, आपके पेट में दर्द था तो आपने ये दवाई इस्तेमाल की थी, मैंने ये पूछा था कि दवाई ने काम किया नहीं किया, आपको फ़ायदा हुआ नहीं हुआ, कहते हैं ठीक ठीक हो गए तो कितनी जल्दी ठीक हो गए थे, उन्हें कह दिया मैं तो 2 दिन में ठीक हो गए, इसका मतलब फ़ायदा हुआ आपको, हमारा ये फ़ायदा हुआ तो बस मैंने आपको सिर्फ यही पता करना है, ये आदत कर ली थी आपसे। जब वो बड़े आदमी बन गए तभी, जब वो बड़े आदमी बने उसी वक्त करते थे, उससे लोग हकीम सईद को जानते थे। इसके बाद किसी और के पास चले गए कि यार आपके वालद साहब ने दवाई दी थी है, उन्होंने कहा जी उनका इंतकाल हो गया तो दवाई का फायदा हुआ, आप कहेंगे जी बैठे हकीम साहब, उन्हें नहीं मैं सिर्फ इतना पता करता था। तो वो इसका कोई हकीम आफ्टर सेल सर्विस नहीं देता, हकीम सही देते थे। किस जगह जाते थे, बाद में मरीजों की लिस्ट ले जाते थे और लोगों के घरों में जाकर पूछते थे। तो ये एक बड़ा अच्छा टूल है कि अगर आप फर्ज करें कि आप कपड़े की दुकान बनाई जैसे मालिक साहब ने, तो आप अपने ग्राहकों को रखें जैसे आपने कल कहा कि ये मेरी ग्राहक के साथ जो मैडम आई थी ना, तो आपको ये चाहिए था कि आप उसके पास 2 मिनट खड़े होकर पूछते कि जी आप मेरे पास आती हैं मेरी दुकान है, आपने कपड़े खरीदते नहीं है, कौन सा दादा आपको अच्छा लगा, कोई चीज़ को प्रॉब्लम तो नहीं है। वो ये कहती है कि मेरा एक कपड़े का रंग उतर गया था, आप कहते मैं साथ जाता हूँ बताया मुझे कपड़ा कौन सा निकाल देते, कहती अभी तो नहीं निकाल सकती, तो आप कहती कोई मसला नहीं है मैं कल भी यहीं पे हूँ इसी वर्कशॉप में हूँ, तो कल आपने मुझे कपड़ा जरूर भेजा, और आप वो कपड़ा साथ ले जाते हैं।